हेलो दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन देख रहे हो आप, ये भी आपको मिल सकता है। इस वीडियो को देखते रहो अंत तक, मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा आपको, मुझे कैसे मिला। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, वीडियो अपडेट आप सबको मिलता रहे। तो जैसे ये देख पा रहे हो, ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन है। मुझे जाना पड़ेगा मेरे व्हाट्सएप के अंदर और मुझे ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं गया, मैं व्हाट्सएप के अंदर मैं चले जाता हूँ, थोड़ा मैं टाइम लूँगा। चलिए, मैंने क्लिक कर दिया व्हाट्सएप के अंदर। अब देखिए, मैं अपने भाई को कुछ SMS करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने जो जहाँ टिक किया, पेमेंट ऑप्शन आ गया है। यहाँ मुझे सिम का वेरिफिकेशन मांगेगा, तो मैं सिंपली अपनी जो सिम है जिसमें मैं OTP या कोई भी ट्रांजेक्शन मैं करता हूँ तो मैं वेरीफाई करता हूँ, एयरटेल का नंबर है, मैं उस पर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ₹1 का चार्जेस लगता है ये। उसके बाद आपको बैंक का नाम पूछेगा, तो आपका जो बैंक है तो उसी हिसाब से आप अपना बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। आप मल्टीपल बैंक भी ऐड कर सकते हैं पेमेंट और रिसीव के लिए। तो मेरा जो बैंक है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है मेरा बैंक, भी जाके ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और कैसे प्रोसेस करना है, पेमेंट ऑप्शन कैसे मिलेगा आपको, वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा। ये मेरा देखिए वेरिफिकेशन हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद देखिए, मेरा बैंक अकाउंट है, वेरीफाई ऑप्शन मांग रहा है मुझे। यहाँ स्टेट बैंक का मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, जो कि आपको नहीं दिखेगा, चिंता मत करो। इसमें क्या करना है, सिंपली आपको जो टिक कर देना है वहाँ जहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको पता रहेगा वैसे ही। तो आप प्रोसेस लिखता है कि वो आपके UPI के साथ कनेक्ट करता है बैंक के साथ। देखिए, मेरा प्रोसेस सेटअप कंप्लीट हो चुका है, डन। तो यहाँ मैं जिसको मेरे भाई को सेंड करना चाहता हूँ वो तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है। जब तक तो वो अपना ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता है उसके बाद नहीं होगा। देखिए, ये ऑप्शन मांगेगा तो रिसीव टू रिसीव द पेमेंट ये वाला मांगता रहेगा हमेशा। जब तक नहीं करता रहूँगा तो ये वाला, जब तक वो एक्सेस नहीं करता है उसके बाद तक ये बिल्कुल नहीं होगा। तो उसको मैं जाके बोल देता हूँ कि ये वाला वो ऑप्शन एक्सेप्ट कर ले। कि जैसे ही आप ये देख पा रहे हो, मैंने अपने भाई को बोल दिया है, वो एक्सेप्ट कर लिया अपना ID। देखिए, यह मैं अमाउंट टाइप करूँगा 150 या 1500 कुछ भी। और इसमें दोस्तों 5000 का लिमिटेशन है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं कुछ अमाउंट उसको सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं कुछ पेमेंट ऑप्शन आ चुका है, उसके पास भी वाला ऑप्शन आ चुका है, तो मैं कुछ अमाउंट उसके पास सेंड करने की अभी कर रहा हूँ। देखते रहिए आप। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है, कुछ अमाउंट उसको मैं सेंड करता हूँ। अब इसमें 5000 का लिमिटेशन आता है, तो 5000 से ज़्यादा आप उसको सेंड नहीं कर सकते किसी को भी। ये वाला ऑप्शन आगे ऐड होता रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि 5000 के लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। और एक चीज़, तो ये पेमेंट मतलब वॉलेट में नहीं रहता है, आपके बैंक अकाउंट में मतलब तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, ये अच्छी बात है। जैसे बाकी का वॉलेट में रह जाता था तो वैसे वॉलेट में नहीं रहेगा, आराम से बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होगा। जैसे आप तेज एम में करते हो वैसे मैं 10 रुपये उसको सेंड करता हूँ। आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे ये काम करता है। कुछ मैसेज वगैरह उसको टाइप करते करके मैं कुछ इमोजीज वगैरह उसको मैं भेज देता हूँ, ये स्माइली फेस वाला और गॉड वाला मैं भेज देता हूँ उसको। देखते हैं, अब इसको सेंड प्रोसेस कर। एंटर योर UPI पिन, ये बहुत अच्छा है कि UPI पिन आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। UPI पिन देने के बाद ही ये वाला प्रोसेस आपका काम करेगा। चलिए, ये वाला मैंने UPI पिन एंटर कर दिया है, उसके बाद आके प्रोसेस होता है। देखिए, मैंने 10 रुपीज़ का ये सेंड कर चुका हूँ मैं बिल्कुल पूरा, क्योंकि वो UPI प्रोसेस आपको दिखेगा नहीं। ये देखिए, कंप्लीट हो चुका है, 10 रुपीज़ उसको सेंड हो गया। ऊपर मैसेज भी आ गया है कि 10 रुपीज़ सेंड हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको सबको पसंद आया होगा। ये वाला फीचर्स अगर आपको चाहिए तो नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए कि आपको ये फीचर्स क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए। तो आपको पता ले आपको आपको ही पता है किस लिए चाहिए आपको, तो ये वाला क्यों चाहिए आपको बता दीजिए। मैं आराम से ये वाला ऑप्शन आपको इनवाइट कर दूंगा, आप इससे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो दोस्तों, आप मल्टीपल बैंक ऐड कर सकते हो, मतलब वहाँ सेटिंग में जाके मल्टीपल बैंक भी ऐड कर सकते हो।
तो मैसेज मुझे करो जल्दी से। और आज का वीडियो का टारगेट मैं रखता हूँ दोस्तों 100 लाइक का। अगर 100 लाइक हो जाता है तो सबको जितने सारे हैं कमेंट किया सबको इन्विटेशन भेज दूंगा, तो आप आराम से पेमेंट ऑप्शन कर सकते हो। तो भी वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर देना। नए दोस्तों को मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। So strong.